आपने कभी सोचा है कि जो मूवीज बनती है वो थिएटर्स में कैसे आती है? थिएटर्स वाले कितना पैसा कमाते हैं? थिएटर से जो अर्निंग होती है वो पैसा प्रोड्यूसर तक कैसे जाता है? ये सारी डिटेल्स, ये सारे जो डाउट्स है ना, वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी सिनेमा हॉल या थिएटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज है वो सारी दूर हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। अब स्टार्टिंग मतलब क्या? जहां से मूवी बनती है, यानी कि जब एक प्रोड्यूसर मूवी को बना लेता है, फिर अब उसका टेंशन या हेडक ये रहता है कि मूवी थिएटर तक कैसे जाएगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट या फिर आप कह सकते हैं सबसे मेन रोल कौन प्ले करता है, वो होते हैं फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर। और ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं जो मूवी को हर छोटे बड़े सिनेमा हॉल या थिएटर्स तक इस पहुंचाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि जैसे 20th Century, सोनी पिक्चर्स, यशराज फिल्म्स और इरोज एंटरटेनमेंट जैसे। तो फिर अब क्या करता है कि प्रोड्यूसर जब मूवी बना लेता है तो वो मूवी को फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर तक दे देता है। अब फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर का ये काम होता है कि वो उस मूवी को पूरे थिएटर्स तक पहुंचाए। अब बात आती है कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर मूवीज को थिएटर तक कैसे पहुंचाते हैं। क्या वो सैटेलाइट के द्वारा या फिर नेट के द्वारा डाउनलोड की जाती है? सही बात तो ये है कि ये दोनों तरीका गलत है। एक्चुअली मूवीज को बिल्कुल फिजिकल फॉर्म में करके हर थिएटर्स तक भेजा जाता है, जिसको कहते हैं DCP, यानी कि डिजिटल सिनेमा पैकेज। अब ये DCP क्या है, समझ लीजिए एक तरीके का हार्ड डिस्क है। और ये यूनिवर्सल तरीका है कि हर मूवीज, चाहे यहाँ की बात हो चाहे फॉरेन की बात हो, हर जगह हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी DCP के थ्रू ही जाती हैं। DCP में क्या क्या होता है, इमेजेस होते हैं, वीडियोस होते हैं, सबटाइटल्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म में डिकोड किए होते हैं। और ये DCP ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे होती है कि कोई इसको चुरा ले या फिर ले ले तो वो इस मूवी को देख सकता है। ये लॉक्ड होती हैं एक कोड के द्वारा, ये लॉक्ड होती हैं। अब बात आती है कि मूवीज तो थिएटर तक पहुंच गई, अब वहां पे इसको प्ले कैसे किया जाएगा। यहाँ पे रोल में आता है TMS, यानी कि थिएटर मैनेजमेंट सिस्टम। अब थिएटर मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है कि मूवीज को कंट्रोल करता है, जैसे कट करना, फॉरवर्ड करना, प्रीवियस करना या फिर पॉज करना, प्ले करना, वॉल्यूम आगे पीछे, ये सारी चीजें TMS करता है। उसके बाद मूवीज प्ले हो जाती है सिनेमा हॉल में, जो कि आप देखते हैं जाके। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि मूवीज प्रोड्यूसर से लेकर थिएटर तक कैसे पहुंचती है। अब बात आती है अर्निंग की, कि थिएटर्स वाले या फिर प्रोड्यूसर जो फिल्म मेकिंग के होते हैं वो पैसे कैसे कमाते हैं, उनकी अर्निंग कैसे होती है। चलिए इस पे बात करते हैं। इसमें भी अलग खेल है। इसमें भी जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा होते हैं या फिर मल्टीप्लेक्स होते हैं, दोनों के लिए अलग अलग रेट होता है, दोनों का अलग अलग सीन होता है। मान लीजिए कोई मूवी सिनेमा हॉल में लगी है तो उसका फर्स्ट वीक का जो पैसा होगा, यानी कि फर्स्ट वीक का जो कलेक्शन होगा, उसमें से 20-30% थिएटर वाला रखेगा और बाकी 70-80% डिस्ट्रीब्यूटर से होते हुए प्रोड्यूसर के पास चला जाता है। और वहीं अगर बात मल्टीप्लेक्स की कर लें तो 30-40% पैसा थिएटर के पास जाता है और 60-70% पैसा डिस्ट्रीब्यूटर से होते हुए प्रोड्यूसर के पास चला जाता है। तो इस रेशियो से आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि थिएटर से पैसा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर तक कैसे पहुंचता है। अब बात आती है कि अगर कोई मूवी एक हफ्ते से ज्यादा थिएटर में चल जाए तो फिर सारा कैलकुलेशन चेंज हो जाता है। यानी कि अगर मूवी सेकंड वीक में चली जाती है तो 40-50% पैसा वो थिएटर के पास रह जाता है, और यही अगर मूवी थर्ड वीक में चली जाए तो 70-80% तक का पैसा थिएटर के पास चला जाता है। यानी कि कोई भी मूवी जितना लंबे समय तक थिएटर में रहेगी उस पे थिएटर वाले की कमाई बढ़ती ही जाएगी, थिएटर वाले का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता ही चला जाएगा। दोस्तों इसमें एक और कंडीशन आती है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो मूवी को अपने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर को पूरी तरीके से सेल कर देता है। जैसे कि मान लीजिए प्रोड्यूसर ने एक मूवी बनाई जिसका बजट था 100 करोड़ रुपए, उसने 200 करोड़ रुपए में उस मूवी को फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर दिया। अब इसमें प्रोड्यूसर का सरदर्द खत्म, उसे 200 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अब ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर का सरदर्द है कि वो उस मूवी से कितना अर्न कर पाता है, वो उस मूवी से 200 करोड़ बना पाता है या फिर नहीं, ये उसका सरदर्द है। अब फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ने जो मूवी थिएटर्स तक भेजी है वो कितना अर्न कर रही है, कितना ज्यादा बजट अर्न कर रही है, उसमें से कोई प्रॉफिट जो होगा वो प्रोड्यूसर तक नहीं जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर ने पूरी तरीके से मूवी को सेल कर दिया है फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर को। और ये मैक्सिमम सीन उस मूवीज में होता है जो बहुत सारी आप बजट मूवीज देखते हैं, ये मैक्सिमम इसी बेसिस पर रन करती हैं। जो ब्लॉकबस्टर मूवीज होती हैं, जो बड़ी मूवीज होती हैं, उनका अलग सीन है जो मैंने पहले बताया, लेकिन जो ये सेल करने वाली चीज है ना, ये छोटी मूवीज पे ज्यादा अप्लाई होती हैं। तो आई होप आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा, पूरी तरीके से आपके दिमाग में जो क्वेरीज थी वो सारी डाउट क्लियर हो गई होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद और वंदे मातरम।